हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपके और हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हो टेक्निकल इक्विलिब्रियम में। दोस्तों आज हम बात करेंगे और एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में। तो इस एप्लीकेशन का कहना है कि आपको अपनी फ्रेंड्स को लाइव ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पे है आप जो आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का कहना है, आप लोग बहुत सारे एड्स देखे होंगे इस एप्लीकेशन का, तो आप लोगों के सामने इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूँगा। इसमें वाकई क्या आप ट्रैक कर सकते हैं ये क्या नहीं, तो आप लोगों के सामने दिखाऊँगा, लाइव प्रूफ दिखाऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में एक बेल घंटा भी आएगा उसको भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे एप्लीकेशन के रिलेटेड और भी इंटरनेट की टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैं हमेशा ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, मेरे को इस एप्लीकेशन को जो है ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हूँ, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट पे दे दिया हूँ। और जो अगर आप पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो इसके रिव्यू के लिए रिव्यू देखिए। और मैं हाँ दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि कोई भी ऐसा भी प्ले स्टोर में आपको बहुत सारे सैकड़ों आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, लेकिन उनमें से जो है बहुत सारे ऐप जो है बहुत सारे हैकर की भी ऐप होते हैं। इसमें जो है अगर आप एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या होता है कि हम लोग को एक परमिशन देना पड़ता है, जैसे कि डिवाइस की कैमरा की और मैसेज की और लोकेशन की, एक क्या करते हैं हम लोग परमिशन दे देते हैं उन लोगों को। उन परमिशन देने की वजह से जो हम लोग को फ़ोन या डिवाइस जो है आसानी से हैक कर सकते हैं, और हैक करने की वजह जो है आपकी जो है इन्फॉर्मेशन डाटा जो है यानी कि आपका जितने भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है चुरा सकता है। तो आप यही ध्यान रखिएगा, आपका जो है जो कुछ भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं इसमें सिक्योरिटी टाइट है क्या नहीं। तो मैं इसके ऊपर और एक बार वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आसानी से। तो आज के टॉपिक वो नहीं है, मैं इसकी रिव्यू करने वाला, तो पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे क्या इंटरफेस आती है। तो यहाँ पे मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया, आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ, जस्ट ओपन किया हूँ उससे, तो ये कुछ टाइम ले रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसको थोड़ा टाइम देता हूँ, लगता है ऐसे कुछ टाइम लगेगी। तो यहाँ पे बता रहा है कि नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ पॉलिसी दिया है, तो लोकेशन, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ लोगों दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा से ऐसा होगा। तो मैं फ़िलहाल अभी नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे बता रहा है कि ओके, यहाँ पे स्टार्ट 3 डिश, तो यानी कि मेरे को पहले ही यहाँ पे पैसों के लिए मांग रहा है। तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कोई फ्री चांस मिलते है क्या। आई थिंक मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे फ्री चांस मिलने वाला है। ये भी बता रहा है कि 1 वीक के लिए, यानी कि एक हफ्ते के लिए मेरे को 699 रुपये मेरे को देना होगा। भाड़ में गया तो मैं यहाँ पे रिसल्ट पे क्लिक किया हूँ। यहाँ पे बता रहा है कि सॉरी। तो मेरे हिसाब में दोस्तों ऐसे वैसे पैसा देना तो कोई अच्छी बात नहीं है, तो मैं फ़िलहाल इसको नंबर डाल के कर लेता हूँ ओपन। तो देखता हूँ, तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया मेरी भारत माता कहाँ है, भारत माता, आई थिंक सबसे ऊपर होगा शायद, हाँ मिल गया हमारे भारत माता उत्तरी, ये है हमारे भारत माता। तो अभी मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट पे करने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि सेंड ओटीपी, तो अभी शायद ओटीपी डालना होगा, तो ओटीपी डाल देता हूँ 291391। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँ, आप लोग भी ओटीपी डाल दीजिएगा। तो ओटीपी डालने के बाद दिखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि नाम डालने के लिए यूअर प्रोफाइल नेम, तो मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल नाम डाल देता हूँ, मेरा सही नाम डाल दिया हूँ, इब्राहिम अली। तो यहाँ पे बता रहा है कि आप कैसे आदमी हो, तो मैं अभी तो बच्चे तो नहीं हूँ, लेकिन यहीं पे बड़े पे क्लिक किया हो तो बाद में करता हूँ कंटिन्यू इनवाइट बाय। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे देखिए, मैंने बताया ना आप लोगों को एक अलाउ करने का ऑप्शंस आते हैं, जो यहाँ पे मेरे को जो मांग रहा है मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो मांग रहा है, तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं करूँगा, तो मतलब परमिशन नहीं दूंगा, तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है उसको उसके पास नहीं जाएगी। तो फिलहाल अभी जो है अलाउ कर देता हूँ, मेरे पास इतना भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं इतना मेरे हैकर से कोई हैक कर सके, तो अलाउ कर दिया हूँ मैं यहाँ पे। आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप इसी बात का ध्यान रखें, जो आप जो
फ़ोन का जो है आपका इस एप्लीकेशन में सिक्योरिटी टाइट कितना है, और आपको इसकी सिक्योरिटी बारे में मालूम नहीं है, यानी कि प्ले स्टोर में आप वाकई मतलब बहुत ही। तो दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि मेरे को दोबारा यहाँ पे मेरे लोकेशन का, मेरे डिवाइस लोकेशन का जो है अलाउ करना होगा, तो मैं फ़िलहाल कर देता हूँ यहाँ पे। तो करने के बाद यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि इस एप्लीकेशन का रेटिंग आप क्या दोगे। मैं तो इस एप्लीकेशन का रेटिंग जो है अभी मैं रो रोऊँगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि फिर भी आ गया यहाँ पे स्टार्ट 3Ds, यहाँ पे मेरे को एक हफ्ते के लिए 699 रुपये मेरे को लेना होगा बता रहा है। तो मैं फ़िलहाल अभी नहीं लूँगा। ये देखो फ़ोन का, कैंसिल कर दिया हूँ। दोबारा मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे कुछ जो है इनेबल योर लोकेशंस बता रहा है। तो यहाँ पे देखता हूँ मेरी लोकेशंस कोई भी नंबर से कोई रिलेटेड होती है क्या। तो मैं एक नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, कि ये बड़े आदमी कंटिन्यू। यहाँ पे नंबर भी एक्सेस नहीं कर पा रहा है, पैसा नहीं दिया। आजकल फ्री में कुछ नहीं मिलता है ना, इसीलिए सब कुछ मतलब स्लो हो रहा है। बैक कर रहा हूँ, बैक भी नहीं हो रहा है। आई थिंक मेरे को लगता है इससे बुरा क्या हो सकता है। अगर आपको दोस्तों ये सही लगे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं ये भी इतना नहीं कहूँगा कि ये एप्लीकेशन बुरा है या अच्छा है, मैं ये भी नहीं कहूँगा। मेरे समझ में कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ अच्छा लगे, आपको इसमें फीचर जो है आपको अच्छा लगा है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको जो है गलत लगे, तो दोस्तों एक हफ़्ते के लिए ऐसे भी किसी का लोकेशन ट्रैक करने में हम लोग को क्या आता जाता है। हम लोग को थोड़ी ना नौकरी मिली है किसी का ये लोकेशन ट्रैक करने की। आपको 699 रुपये देने में मेरे हिसाब में कुछ भी पूरा आपका पैसा वेस्ट है। अगर आप ऐसे ऐसे इंजॉय के लिए करना चाहते हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब ये इस एप्लीकेशन का रिव्यू मेरे हिसाब में बहुत ही घटिया रिव्यू था। और आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं दोस्तों और भी बहुत सारे एप्लीकेशन के, अगर आप लोन देना चाहते हैं और भी बहुत सारे इनकम के बारे में जो है बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाके, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। नहीं तो जो बहुत सारे सिंपल टेक्निकली यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको जो है मेरे वीडियो का प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पसंद नहीं है तो डिसलाइक करके चले जाइए, कोई बात नहीं। और जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, सब्सक्राइब करके चले जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो लाता रहता हूँ, और जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।